Man,
Kagaji,
परिवार करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन प्रगट आज भी हो काका जी अनुभव आप कराते भूल करे या प्रसंग बने कोई रक्षा आप ही करते प्रकट आज भी हो काका जी अनुभव आप कराते भूल करे या प्रसंग बने कोई रक्षा आप ही करते छोड़ दे हम मन बुद्धि को मूर्ति में स्थिर करके मन को सर्वोपरि सत्ता मान तेरी करे वही तुम्हें पसंद है जो काका जी तुम्हें प्रणाम काका जी तुम्हें प्रणाम काका जी तुम्हें प्रणाम काका जी तुम्हें प्रणाम
प्रकट हुए जो आप तभी माया के बंधन टूटे सब अंश किया सना जगत के रिश्ते नाते छूटे प्रकट हुए जो आप तभी माया के बंधन टूटे सब अंश किया सना जगत के रिश्ते नाते छूटे भूल नहीं तेरे परिश्रम को करना है नाजी बस तुमको समर्पण सब करके अपना बने प्यादा तेरा अब तो काकाजी तुम्हें प्रणाम काकाजी तुम्हें प्रणाम काकाजी तुम्हें प्रणाम काकाजी तुम्हें प्रणाम गंगोत्री आत्मीयता की है जो करे कल्याण संबंध से वो काकाजी तुम्हें प्रणाम काकाजी तुम्हें प्रणाम काकाजी तुम्हें प्रणाम काकाजी तुम्हें प्रणाम। आपके जीवन में भी ऐसा छोटा छोटा पर्चा नहीं अपने जीवन में पुकारे तभी प्रभु आ जाए लेकिन वो पुकार आपका अहम से है ऐसा नहीं निरा क्या बोलता है निरा जय निसाव निराधार जय ने मनन पेले पार करिए तुझे ने पुकार तो तू सांभरे तत्काल तो तू सांभरे आवती काल आवती काल सांभरे आवती काल आवती नहीं तत्काल टेलीफोन इमीडिएट लाइटनिंग कॉल ये इसका तरीका है महापूजा है। हाँ पूरा करो अभी एक संकल्प कर लेंगे 5 मिनट का ये प्रोग्राम फिर महापूजा शुरू हो जाएगी। आँख मीच देना हे महाराज हे स्वामी हे योगी बापा हे शास्त्री जी महाराज हे सहजानंद स्वामी हे हरिप्रसाद जी हे पप्पा जी हे कोठारी स्वामी हे प्रेम स्वामी हे गुरु जी हे उत्तम स्वामी हे सब मुक्त मंडल मेरी सामने वाला ब्रह्म की मूर्ति मनाए अखंड दिव्य मनाए माथा का मुगट मनाए ऐसा आपका बल से आपका अनुग्रह से आपकी कृपा से सहज दृढ़ कराना। अब पूरा श्वास लो छाती भर के मस्तक तक अटको भावना करो हे बापा हे स्वामी मेरे इंद्रियां अंतःकरण और जीव को शुद्ध पवित्र शक्तिशाली बनाना। धीरे 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 श्वास निकालो। अब 2 मिनट के लिए प्राण का साक्षी बन के विचार का मन में लय मन का बुद्धि में बुद्धि का प्राण में प्राण का दबक 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 चलाने वाला प्रभु है ये सभा में हाजिर है संत के द्वारा दर्शन दे रहा है ये शास्त्री महाराज और महाराज की मूर्ति के ऊपर गुलाब के फूल है आपको वो प्रसादी मिल जाएगी। इसके पर मंत्र चैतन्य मंत्र शक्ति का प्रभाव पड़ता है हम और यही स्मृति करके आप 15 मिनट धून करके भावना से भगवान के मंत्र संत की स्मृति आपकी भावना 3 चीज होगी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सत्यम शिवम सुंदरम ब्रह्मा विष्णु शिवा उत्पत्ति स्थिति लय ये 3 चीज हो गई श्रद्धा खप और समागम और ये 3 चीज पर सारी दुनिया चलती है। तो यही भावना करके पुकार कर लेगा प्रार्थना कर लेगा भगवान आपका मनोरथ पूरा कर देवे। व्यवहार की कोई भी मुश्किली हो बीमारी हो तकलीफ हो दुकान की हो लाइसेंस की हो कुछ डेट का हो भगवान जब नरसिंह मेहता का हुंडी स्वीकार गए
आपका भी किसी में प्रकट होकर काम कर जाए, और दूसरा निर्दोष बुद्धि का सुहृद भाव का संकल्प करना। मेरी सामने आए मुक्त वो साधक हुए, वो आपका बड़ा जड़ अज्ञान है, इसमें भगवान काम कर रहा है। जब जैतलपुर की वेश्या में कर रहा है तो आप में नहीं कर रहा है, क्यों नहीं मानते हो, क्यों नहीं मानते हो, क्यों नहीं मानते हो? यही भावना इतने टाइम तो छोड़कर खुला हो जाना, दोनों ही मुट्ठी छोड़ देना। ऐने साव निराधार करिए तुझने पोकार, तो तुम सांभड़े तत्काल बुलका बन जाने का। मम्मी 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 वो मम्मी आके काम कर जाएगी, बिल्ली जैसा माँ करती है ऐसा। ये आशीर्वाद है माँ पूजा में, इसका ताकत देता है, प्रभाव पड़ेगा। ये स्मृति करके एक 15 मिनट ढूंढ करके संकल्प करना, आप में भी स्वामी जी के साथ दिव्य भाव का संबंध हो जाएगा। करना है, सचमुच करना है श्रद्धा ऐसा भगवान में और संत में, यही भावना रख। आपका भी काका जी ने आशीर्वाद दिया ना कि आपका भी दिव्य भाव का संबंध हो जाएगा। मेरे हृदय में वो अखंड विराजमान है, वो एकदम पक्का फिट बैठ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर हम प्रसंग पे डर जाते हैं, हिल जाते हैं, डूब जाते हैं, घबरा जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, वो नहीं, साथ प्रभु है। अभी ये अपने आप को ही पता लगेगा कि मेरा प्रभु के साथ दिव्य भाव का संबंध हुआ है कि नहीं हुआ है। और ये संत करा पाएंगे, और मैं कहता हूं ना कि ये कोई जगह पे नहीं हो पाएगा। भगवान अखंड रखे हुए संत वही ये चीज करा पाएंगे, वो अपने वो बीज वो डाल पाएंगे कि मेरे साथ प्रभु है। छोटा से छोटा भी हो बच्चा, उसमें कोई इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कई बार कह चुका, देखो सारा पंजाब गाता है क्या, तू राधे गाओ जो, राधे तू राधे ते गोपाल हुआ मैं, हर दम तेरे नाल हुआ मैं। देखो मतलब ये खास चीज होनी चाहिए कि हर दम मेरे नाल है। गाते तो सब कोई है, लेकिन किसी को प्रतीति है कि प्रभु मेरे साथ अखंड है। ये कितना ही व्रत करो, तप करो, दान करो, योग करो, यज्ञ करो, तीर्थाटन करो, जगराते करो, सप्ताह बिठाओ, इतनी इतनी सप्ताह होती है, सप्ताह के बाद किसी को ऐसा लगा कि मेरे साथ कृष्ण है अब। जबकि ऐसे संत की कृपा दृष्टि वाला छोटा सा छोटा बच्चा होगा, उसको अंदर भीतर में मेरे नाल प्रभु है। कितनी बड़ी अब भगवान ने अपने को प्राप्ति करा दी। देखो ये जो सब गाया करते हैं अपने या सुलभ है। फिर से मैं कहता हूं, ये चीज हमारी कोई साधना, कोई यज्ञ, कोई व्रत, कोई योग नहीं करा पाए। संत दृष्टि करेंगे वो मैं मना देंगे अपने को, मेरे साथ प्रभु अखंड है। कितनी बड़ी प्राप्ति। अगर एक बॉडी का अखंड साथ में रहता है गार्ड, तो हम कितने सिक्योर महसूस करते हैं। प्रभु अखंड साथ में है, ये दिव्य भाव का संबंध दृढ़ कर लेना है। इससे दो फायदे होंगे, अखंड प्रभु है फिर गलत काम हम कर नहीं पाएंगे। भीतर में बैठे हैं वो देखते हैं, काम नहीं कर पाएंगे या गलत विचार तक नहीं उठ पाएगा, और दूसरा कभी कोई डर नहीं रहेगा। मार मार करता कोई आता होगा तब भी ऐसा होगा, मेरा प्रभु
अंदर बैठा हुआ है वो रोक ले। इसलिए अपने यहां कहते हैं ना निश्चिंता मिलेगा चिंता मिली मिला है तू निश्चिंता मिली उस दिन से हमें जिस दिन से मिला है तू लय और लीन रहो तुझ में जीवन की तेरी खुशबू तुम्हें तू मेरे तुम्हें हो प्रभु। मौज करना है श्रद्धा ऐसा भगवान में और संत में यही भावना रखना। अब दो मिनट ऐसा ही एक मिनट ध्यान करके दो मिनट का स्मृति कर लेने का एक मिनट धुन कर लेने मन से मनन चित से चिंतन बुद्धि से फिराव प्राण से अभीप्सा अहम मैं प्रभु आपका दास हूं सेवक मेरी रक्षा करना। क्या बोला मन और से ये मन से मनन चित से चिंतन बुद्धि से निश्चय मन से मनन चित से चिंतन बुद्धि से ठहराव प्राण से अभीप्सा ठहराव निर्णय बुद्धि से ठहराव बुद्धि निर्णय करती है माइंड है। काका जी बोलते थे वो फाइलिंग क्लार्क है जो बेचारा है फटफट फटफट फाइल होता जाए उसमें से कौन सा करना कौन सा नहीं करना वो निर्णय वो ठहराव बुद्धि करेगी। मन से मनन करो चित्त से चिंतन करो हाँ बुद्धि से ठहराव करो मैं प्रभु का हूँ और किसी का नहीं मेरे जीवन में टॉप प्रायोरिटी पे प्रभु रहे भगवान के स्वरूप के जीवन में टॉप प्रायोरिटी भगवान का जो स्वरूप है काका जी है पप्पा जी है इनके जीवन में टॉप प्रायोरिटी क्या है इनके भक्त जिसके जीवन में टॉप प्रायोरिटी को भक्तों और ऐसा मन से मनन चित से चिंतन बुद्धि से ठहराव फिर प्राण से अभीप्सा फिर नंदी सभी मम्मी को जाके पूछेगा ये अभीप्सा क्या है कोई लड़की का नाम है अभीप्सा यानी तीव्र झंखना वो अभीप्सा हाँ तीव्र खेवना अभीप्सा मन से मनन चित से चिंतन बुद्धि से फिराव प्राण से अभीप्सा अहम मैं प्रभु आपका दास सेवक हम क्या रखना है कहते हैं हम छोड़ना है अपने यहाँ सारा पॉजिटिव को छोड़ो तोड़ो वाली बात नहीं वो अहम मैं प्रभु का हूँ वो अहम वो टूटने नहीं देना है वो कॉन्शियसनेस खोनी नहीं है मैं प्रभु का हूँ प्रभु का प्रकाश प्रभु का सेवक से अभीप्सा अहम मैं प्रभु आपका दास हूं सेवक मेरी रक्षा करना और एक व्यवहार का और एक सत्संग का मनोरथ इस सहृदय शिविर में भाग लिया इसका फलश्रुति रूप यज्ञ का दो संकल्प करो एक व्यवहार का एक सत्संग का भुक्ति मुक्ति और स्थिति तीनों चीज दे का मनोरथ इस सहृदय शिविर में भाग लिया इसका फलश्रुति रूप यज्ञ नारायण प्रकट होकर पुष्पांजलि के बाद आपका मनोरथ पूरा कर देवे ऐसा एक मिनट स्मृति कर लो। कौन हो आप किसका हो माँ बाप कौन काका जी हमेशा सवाल पूछते थे कौन हो आप किसके हो टॉप प्रायोरिटी पे कौन है तुम मैंने फिर से नहीं बात करी अभी काका जी ने बात करी भूलना नहीं हम कितना ही कुछ करते रहेंगे व्रत करेंगे
दान करेंगे, तप करेंगे, योग करेंगे, यज्ञ करेंगे, इधर उधर इधर मंदिर 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 घूमते रहेंगे, सप्ताह में बैठेंगे। ये अभी वर सावित्री आएगी तो वर को दूध चढ़ाओगे, लेकिन वो सारे पुण्य कर्म, हाँ सत्कर्म तुम्हें ये एहसास नहीं करा पाएगा कि प्रभु मेरे साथ है। अभी हमने नहीं फिर से गाया ना, क्या था ही ने, अरे वो तू राधे तू राधे, तुमने ताली नहीं बजाई, अरे दम तेरे, बस ये तालियां बजाया करेंगे। हाँ ये भजन गाएंगे तो लोग तालियां बजाया करेंगे, लेकिन किसी को भी एहसास नहीं होगा कि मेरे साथ प्रभु है। इतनी सप्ताह बैठती है, हम हजारों रुपए खर्चे करते हैं, लेकिन सप्ताह के फल स्वरूप किसी को भी ऐसा होता है कि अब अखंड कृष्ण मेरे साथ है। इतनी चौकियां बैठाते हैं, इतनी जगराते करते हैं, इतने तीर्थों में हम घूमते हैं, मैं तो इसको घूमता नहीं कहूँगा, भटकते हैं। अगर सच में तीर्थाटन करा हो तो वो प्रभु मेरे साथ है, वो प्रतीति हो जाएगी। लेकिन हमारा थिंकिंग ये फॉल्स बेस ऊपर है, वो हमें एहसास नहीं कराएगा। हम गाते रहेंगे, अगर प्रभु मेरे साथ है वो एहसास को पाना है तो साधु के साथ दृढ़ संबंध कर, वो तुम्हें मना देगा। कैसे होगा वो पता नहीं लगता है, आपको पता लगता है क्या? कंप्यूटर में क्या डालते हैं, फ्लॉपी नहीं बोलना है, नहीं तो फिर कहेंगे 18वीं सदी में जी रहे हो। मैं तो आज तक ये मानता था कि फ्लॉपी बोलो याने लगे कि गुरुजी कुछ कुछ पढ़े हुए हैं, मॉडर्न है। और मुझे कल आशीष ने बताया कि गुरुजी आप फ्लॉपी मत बोलना। तो मैं क्यों क्या बोलना, तो क्या पेंसिल ड्राइव, पेंसिल ड्राइव, पेन ड्राइव जो वो भी नहीं आता है, हाँ कि पेन ड्राइव डाल दो सारा डेटा ट्रांसफर हो जाए। कैसे होता है डिस्क्राइब कर पाएंगे? खूब बड़ा साइंस पढ़ा हुआ हो वहाँ कहाँ हम जाएंगे, पेन ड्राइव डाल दिया डेटा ट्रांसफर हो गया। इस तरह ऐसे संत के साथ तुम्हारा पक्का संबंध कर लो, वो पेन ड्राइव डाल देगा, तुम्हें महसूस करा देगा अंदर प्रभु मेरे साथ अंदर है, सारा डेटा अंदर है प्रभु का। ये टेक्निक आत्मसात करने के लिए ये तारदेव का सेंटर है। बाकी सब काम होते भी रहेंगे, लेकिन अमन ने वो निशान चूक गए और दूसरे झुलूसों में पड़ गए तो फिर काका जी कैसे अपने पे खुश नजर आएंगे? तो हम अपना ध्येय ना भूलें, हम अपना निशान ना भूलें कि यहाँ हम ये सिद्ध करने आए हैं, ये आत्मसात करने आए हैं कि प्रभु मेरे साथ अखंड है। देखो ये अजमा के देखो, ऐसा एक पक्का टॉप प्रायोरिटी पे साधु के साथ का संबंध, साधु के साथ का टॉप प्रायोरिटी पे संबंध का एग्जाम्पल के संबंध ये बंसल आया है। हाँ कोई काम मंदिर में पड़ गया और बुलाया, अरे आज तो मेरी मीटिंग है, मीटिंग छोड़ो, टॉप प्रायोरिटी पे संत को रखो। देखो तुम अभी एक्सपीरियंस कर दोगे कि तुम्हारा काम वहाँ बैठे प्रभु ने कर दिया। नरसिंह मेहता की बात तो हम सब करते हैं तो हम मानते हैं कि प्रभु ने उसका सारा काम कर दिया था, तो नरसिंह मेहता का प्रभु अगर करे तो हम भी उसको प्रभु मान के जिए हो तो हमारा काम क्यों नहीं करें। लेकिन हमें खाली शोशा करना है कि हम धर्म का काम कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं। हाँ टॉप प्रायोरिटी पे देखो, जितने जितने भक्तों रिकग्नाइज अपने दिल में भी हुए हैं, इनके जीवन में देखा होगा तो टॉप प्रायोरिटी पे प्रभु होंगे, और इनका कुछ आज तक बिगड़ा नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है। लेकिन जिसको खाली व्यवहार प्रधान सत्संग करना है, वृत्ति प्रधान सत्संग करना है, संसार प्रधान सत्संग करना है, मन प्रधान सत्संग करना है, उसका हमें करना है सत्संग कैसे प्रधान, संत प्रधान।
टॉप प्रायोरिटी पे सन, उसकी बात आई। जैसे अपने यहाँ नहीं कहते कोई ऐसा फंक्शन खास होता है, गुरु पूर्णिमा, गुरु जयंती, ये वो, हमारा जो झांझी है उसके साले की शादी थी। बंसल बहुत समझने लायक बात है, तब ये बात करूं कि नहीं करूं, करूं सच्चाई की बात करूं, फिर कल से नहीं आओगे तो फिर से चला जाएगा। ये हमारा परमानंद कहता है से गुम हो जाता है। ये आज प्रमोद आया कि नहीं? ये यार बलराम आया तो प्रमोद गुम हो गया। कहते गुरुजी रो रहे थे कहना, हाँ क्या बलराम आया तो प्रमोद नहीं आया। देख मेरी आंख में झूठे झूठे सच में पानी है। हाँ तो हमारा पंजाब में जगराऊ में झांझी है, उसके साले की शादी है, और उसी दिन यहाँ कोई फंक्शन था, बड़ा फंक्शन था, काका जी का साक्षात्कार दिन या ऐसा मना रहे थे। तो उसने कह दिया हाँ कि मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे के तुम हमारे घर के दामाद ठहरे हो, तुम नहीं आ पाओ ऐसा मत, तो क्या अगर मुझे बुलाना हो तो फिर तुम शादी की डेट बदलो, हमारे गुरु की जयंती है, हम नहीं आ पाते। खूब उसको उसने साफ कह दिया ये नहीं हो पाएगा। लेकिन ये नए नए हैं और पुराने वो कहते ना अपने आप बोलते हैं, हाँ तो प्रकट के, हाँ तो प्रकट के फोकट के हो आ रहे, पकट के पटक के करने जैसे हैं। और वो नया देखो झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इनको गर्ज थी कि भाई सारे साले की शादी हो, घर में दामाद ना आवे तो समाज में बुरा दिखेगा इनको। भगत को वो परवाह नहीं होती कैसा दिखेगा, भगत को एक ही परवाह होती है मेरे प्रभु कैसे सोचेंगे। उन्होंने तारीख बदली और इसने फिर कहा आप में आऊंगा, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। तो देखो मैं नहीं कहता रिश्तेदारों के साथ के तुम्हारे संबंध बिगाड़ो, लेकिन जो रिश्तेदार प्रभु भजने में ऐतराज करते हैं उसको बाजू पे करो। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करके पेसमेकर नहीं रख देता है, वो कैसे मानते हैं कि अंदर रखा जाता है। वैसे संत कहते हैं कि हृदय में प्रभु है, वो एहसास करा दें। ये करने के लिए जिसकी भी इच्छा हो हिम्मत हो वो लग पड़े। टॉप प्रायोरिटी पे भगवान और संत, टॉप प्रायोरिटी पे भगवान और संत, वो दिव्य भाव का संबंध करा देगा। लेकिन आप मूंग खाओगे फिर गैस हो जाएगा। अरे मंदिर के मूंग खाने से कुछ नहीं होता। आप खाना रोज एक चम्मच खाते हो ना, आज दो चम्मच खाना। बंसल टीका कैसा छोटा लगा दे, कोई कोई तांत्रिक कह देता है तो बड़ा नहीं लगा देते हैं। तो यार मेरा कहना तो मानो। फिर गैस हो जाए चुपके से मेरे पास आना, एक गोली दे देंगे कोई। भजन सुनाओगे कैसेट बदलते ही रहोगे। हाँ। चलो तुम्हारा ट्यूटर आ गया, जल्दी करो। कौन हो आप, किसका हो, माँ बाप कौन है आपके, अक्षर और पुरुषोत्तम, ब्रह्म और परब्रह्म, आत्मा और परमात्मा, भगवान और संत आपके जीव के मावतर है। श्री कृष्ण भगवान के वरदान है सर्वधर्मान परित्यज्य, मन को विचार को भावना को। मैं कई बार कहता हूं कि हर एक महात्मा, हम जैसे हर एक कहेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हमारे गोवर्धन काका ने एक बार बहुत अच्छी बात करी कि ये तो हर कोई कहेगा, तो हम क्या कितनी जगह पे ऐसे सरेंडर हो जाएंगे। लेकिन वही कृष्ण ने गीता के अंदर कहा कि हे अर्जुन मेरे और तेरे कई जन्म हो गए जिसे तू नहीं जानता मैं जानता हूं। कितनी ऑथेंटिकली बात करी। ऐसा जो कह सकता हो उसको सरेंडर करो।
क्योंकि ये चैतन्य का काम है ना। कोई एक डॉक्टर के पास भी ऑपरेशन कराना होता है तो हम कितना भाई सेकंड ओपिनियन ले ले। अरे जैसे डॉक्टर की बात जाने दो, या एक वो वुडन पैनलिंग कराना है तो हमारा बंसल कहता है एक ओपिनियन और ले ले, कहते हो कि नहीं ये मेरे को जमता नहीं है। ये भगवान दास को इसलिए बुलाया कि मैं सेकंड ओपिनियन लेवे, अगर फिर वो ठीक पड़ता है तो उसको काम सौंपे, ऐसी बात थी ना कोई। तो जहाँ प्रभु का अंदर ऑपरेशन कराना है और अंदर प्रभु बिठाने, तो हमें टकोरा नहीं मानना पड़ेगा। हमारे ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखो हमारे आनंदी दीदी का ऑपरेशन कराना था, ये बात होगी कितने साल पहले की, 16-17 साल पहले की। तो यहाँ डॉक्टर त्रेहान के पास, अरे हाँ डॉक्टर त्रेहान के पास सेट हुआ था कि भाई ऑथेंटिक डॉक्टर भी पहले भी खूब डॉक्टर देखे करे, पर मेरे को नहीं, ये हार्ट का मामला है और आनंद दीदी का ऑपरेशन कराना है, ओपिनियंस अलग अलग लेके फिर फाइनल करो। तो देखो हम डॉक्टर त्रेहान के पास, और उसने कह दिया कि भाई ये वाल बदलना है, ये है वो है। और फिर त्रेहान ने कहा, फिर हमें फाइनल अथॉरिटी है दिल्ली में हार्ट के लिए। इतने में हमारे स्वामी जी आए थे, वो कहते हैं कि गुरु जी फाइनल हो गए हैं, मेरे को हाँ डेट भी फिक्स कर दी है, ये है वो है। तो कि फिर भी डॉक्टर मांडके को एक बार दिखा दो, देखो घर के अलग टेक्नीशियन और प्रोफेशनल उसमें कितना फर्क है, मैं बात करता हूँ। भले ये सत्संग की नहीं लेकिन एक व्यवहारिक बात है, स्वामीनारायण ने व्यवहार और सत्संग दोनों संभाले अपने। तो डॉक्टर मांडके को के एक बार तुम दिखा दो, फिर भले मांडके के, अरे डॉक्टर त्रेहान के पास कराना। फिर हम मांडके के पास ले गए, मांडके ने चेक करा, ये करा, फिर कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं कराना, मतलब ऑपरेशन नहीं कराना मतलब वाल नहीं बदलना है, आप इसको यहाँ ले आओ और मैं वो वाल जो अभी पुराना है वो डायलेट कर दूंगा। वो खाली उंगली डाल के डायलेट ही करना है, उसमें पांसली खोलनी करनी कुछ नहीं। अभी कहाँ डॉक्टर त्रेहान हमारा जानकार, उसने एक बात कर, मुझे हुआ कि यार ये ठीक नहीं होगा डॉक्टर, और काम ठीक नहीं हुआ तो वो समझ गया नहीं। फिर उसने मुझे कहा कि देखो एक सेंटेंस कहा कि मेरी लड़की होती तभी मैं यही करता, ऑपरेशन नहीं करता, तब जाके मुझे थोड़ा 60% 70% तसल्ली हुई कि एक तो स्वामी जी का पहचान वाला है, बड़े प्रेम से बात करता है, समझाने की कोशिश करता है, फिर भी मेरा फेस पे से उसको लगा कि अब भी इसको तसल्ली नहीं हुई। तब मुझे उसने एक सीधा साधी बात करी कि गुरु जी अगर तुम्हारी टांग थोड़ी टेढ़ी हो तो वो काट के लकड़े की बरोबर अच्छी दिखती हुई टांग लगाओगे, कि वो टांग टेढ़ी थोड़ी मोड़ ठीक ठाक कर दे तो उससे चलोगे। मेरे को लकड़े की चलने से तो ये अपनी जो ओरिजिनल जन्म से आई है वो अच्छी है। तो कि भाई ऐसी ये बात है, वो आर्टिफिशियल वाल लगेगा 10-15 साल चलेगा, बाद में फिर बदलना पड़ेगा। उसने मुझे इतनी अच्छी तरह समझाया, और ये वाल जो मैं डायलेट कर दूंगा वो कम से कम 10 साल तक तो डायलेट रहेगा, फिर मानो सुकड़ना शुरू होगा, तब तक के अंदर 10 साल के अंदर साइंस इतनी तरक्की करेगी कि हो सकता है कोई ऐसी चीज़ मिले कि अपने को ऑपरेशन करे बिना वो डाल वाल बिना काम चल जाए। महाराज इसकी बात तो अक्कल है, उस बात को आज 16 साल हो गए, दूसरी गड़बड़ चलती रहेगी लेकिन हार्ट की गड़बड़ आनंद दीदी को नहीं हुई। तो देखो जानकार अपना जो अपनेपन से जो सलाह दे काम करिए, भगवान दास बंसल हमारा ऐसा है। हाँ तुम उसके साथ बैठ के रेट शेट फिक्स कर लेना, फिर बाद में इसका गुजराती होगा वो ठिकाना नहीं। क्लियर कट शिक्षा पत्र के मुताबिक दोनों जने बात कर लेना, फिर मुझे ठंडा पानी से स्नान नहीं कराना, समझ गए। बैठ जाओ भगवान दास हम नहीं जुड़े। हाँ चलो 8 बज गए, योगा क्लास
नहीं सॉरी प्राणायाम। माइक दो भाई। बस अब पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। लंबी सांस लेना और पूरी सांस को बाहर निकाल देना। जो हार्ट के पेशेंट है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, वो इस क्रिया को धीरे धीरे करें, और उसके बाद जो दूसरे हैं वो उसको पूरी रफ्तार के साथ करें। मैं भी आपके साथ ही कर रहा हूँ। जब आपके 15 स्ट्रोक पूरे हो जाएं, 15 बार आप सांस लेके छोड़ दें, उसके बाद अपने मस्तिष्क को, अपनी बॉडी को एकदम निष्क्रिय कर दें। पूरा ध्यान मस्तिष्क के मध्य में रखें और भगवान की मूर्ति का स्मरण करें। आपको बहुत आनंद आएगा। शुरू करें। अगर तुम आंख खोल के देखो, हम सब ठीक कर रहे हैं कि गलत जाए। देख, तुम भी आंख बंद कर दो तो फिर क्या? अभी कर। ज्यादा फास्ट ना करें, आराम से सांस ले और उसको छोड़ें। बंसल साहब कुछ और ही कर रहे हैं, भस्त्रिका के बजाय और कर रहे हैं कुछ। अभी देख, पूरा लंबा सांस ले। ज्यादा तेज ना करें, बिल्कुल बस रोक दें, बिल्कुल शांत। फिर से शुरू करें। आंखें अपनी बंद रखें, पूरा ध्यान अपनी सांस क्रिया पर करें। लंबा लिया, पूरा छोड़ दिया, लंबा लिया, पूरा छोड़ दिया। पूरा जितना आप छाती में भर सकते हैं उतना पूरा भरिए। पूरा चेस्ट अप हो जाना चाहिए आपका, और फिर उसके बाद सांस छोड़ने के बाद झटका नहीं दें, बुद्राम जी झटका ना दें। हाँ दिव्यांग, इजी इजी। हर एक को इंडिविजुअल देखो, कोई गलत करता हो तो उसको कहो। बस रुक जाएं, शांत। हम कपाल भांति करेंगे। सिर्फ अपनी सांस को छोड़ने की प्रैक्टिस करनी है इसमें, बाकी कहीं पर कोई रोल नहीं है आपका। पेट को संकुचित करेंगे तो हवा को बाहर निकालना है, बस ऐसे ही। शुरू करें। अनु काका कंधे को ना हिलाएं, स्ट्रेट बैठें। जब तक आप स्ट्रेट नहीं बैठेंगे आपसे ये क्रिया प्रॉपरली नहीं होगी। बुद्धराम जी सांस को छोड़ना है, जर्क देना है पेट को। ज़्यादा फास्ट करने की कोशिश मत कीजिए, जैसा आपसे होता है वैसा कीजिए। जब आपको लगे कि आप थक रहे हैं रुक जाइए, बिल्कुल अपने आप को आंखें बंद। ये श्वास के साथ में आंख बंद करके हम इसलिए करते हैं, इस सांस को जब हम बाहर निकालते हैं तो ये प्रार्थना करनी है, हे प्रभु
इस श्वास के साथ मेरे अंदर में जो भी विकार हैं वो बाहर निकल जाएं। इसलिए हम अपने कंधे को जर्क ना करें, बॉडी के किसी पार्ट का कोई रोल नहीं है सिवाय आपके पेट के और आपकी नाक। रुक जाइए, शांत, बिल्कुल शांत। इसमें श्वास की गति बिल्कुल सामान्य रखने की कोशिश कीजिए। फिर से चालू करते हैं। आप इसको अगर एक बार में 20 सेकंड कर सकते हैं, 20 सेकंड करने के लिए आपको कम से कम 25 से 30 के बार ऐसा करना पड़ता है, तब जाकर के वो 20 सेकंड होते हैं। अगर आप 45 बार करेंगे तो ये 30 सेकंड में होगा। तो इस समय इस तरह से हमें इसे कुल 5 मिनट करना है। बीच का जो विश्राम हम लेते हैं उसे छोड़ दें, उसके बाद जो है टोटल समय अगर हम 5 मिनट करते हैं तो आपकी पेट की जितनी ही प्रॉब्लम है उसका ये अचूक इलाज है। इसके साथ ही जिनको डायबिटीज़ होती है उनके डायबिटीज़ को कम करने में ये बहुत कामयाब चीज़ है, क्योंकि जो आप क्रिया करते हैं पेट को अंदर खींचने की, इससे आपका पेंक्रियास एक्टिवेट होगा जो कि इंसुलिन को काम करने में आपकी मदद करेगा। विश्राम, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल, हम आंखें इसलिए बंद करते हैं कि आंखें बंद करके आप किसी भी चीज़ का ध्यान कर सकते हैं। आंखें हम खुली रखेंगे, जैसे हम भजन में बैठते हैं, अगर हमारी आंखें खुली हो तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान चला ही जाता है। उसी तरह इसमें भी आंखें बंद करके अगर हम करेंगे तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ रहेगा, हम अपने आप को एक एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। एक बात और है, जब हम प्राणायाम शुरू करते हैं जहाँ जहाँ हमारे पेन होता है बॉडी में वो हमें महसूस होता है, हम घबराएं नहीं कि हमें वो पेन क्यों हो रहा है। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उन्हें महसूस होगा कि मेरे यहाँ पर दर्द आ रहा है, जिनको कमर दर्द की प्रॉब्लम है उनको वो कमर दर्द महसूस होगा, जिनकी टांगों में प्रॉब्लम है उन्हें टांगों में दर्द महसूस होगा। लेकिन ये क्रिया से वो खुलने की कोशिश में होता है, इसलिए वहाँ पर आपको उसका ब्लड का प्रेशर जब जाता है तो वो आपको महसूस होता है। तो इसलिए डरने की बात नहीं है कि मैं करता हूँ तो मुझे एकदम दर्द चालू हो जाता है, उसकी चिंता करने की, धीरे 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 ग्रेजुअली ये जो है अपनी बॉडी से निकल जाएगा। अभी अंतिम शुरू करते हैं, अनुलोम विलोम। एक रुक जाइए, अपने आप को थोड़ा रेस्ट दीजिए और नाक को इसमें जोर से दबाने की जरूरत नहीं, कुछ लोग ऐसे दबा देते हैं उसको दबाने, बिल्कुल हल्का सा हाथ रखिए ताकि ये बंद हो जाए। नोस्ट्रिल आपका बंद होना चाहिए और उसका कोई काम नहीं है उंगली का आपके। शुरू करें, चलिए भाई पूरी सांस लीजिए, बड़े फास्ट कर रहे हैं आप, इतना फास्ट, पूरा सांस लीजिए अंदर में, फिर दूसरी तरफ से छोड़िए, फिर उधर से ही लीजिए,
अनु भाई गलत हो रहा है, एक मिनट ऐसे कीजिए, इधर से छोड़िए, इधर से दूसरी तरफ, हाँ फिर इधर से खींचे, यहीं से, यहीं से लेना है, हाँ उसी नाक से जहां से सांस को छोड़ा है वहीं से लीजिए और दूसरी तरफ से रिलीज कीजिए। जब रिलीज किया तो दूसरी तरफ से ही लेना है, फिर इस तरफ से छोड़ना है। रुक जाइए, कल मैंने आपको बताया था कि इस क्रिया को अगर कोई भी व्यक्ति, उसको चाहे जो रोग हो, अगर वो 500 बार करेगा, ये एक, इसको बाद में फास्ट हो जाता है, अभी हम स्लो कर रहे हैं, अगर फास्ट करने की कोशिश करेंगे तरह से आप कर सकते, मगर वो धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, एकदम आप करने जाएंगे तो नहीं होगा, थक जाएंगे। इसके बाद में फिर विश्राम कीजिए, जितना समय आपको लगता है उतना समय लीजिए, उसके बाद फिर दोबारा शुरू कीजिए। सहजानंद स्वामी महाराज की।